ये आप देख रहे हैं सुपर चीफ वैरायटी, 14 महीने का बाग, पूरा फल से लदा हुआ। पिछले साल अप्रैल में हमने फर्स्ट वीक में इसको लगा दिया था यहाँ बुल्हाड़ में, धन सिंह रावत जी के यहाँ। सभी पेड़ स्वस्थ, पूरी तरह से फल से लदे हुए आप देख सकते हैं। 2 किलो से 4 किलो तक फल प्रति पेड़ पे है। अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय किंतु सत्य। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी प्रेस, मीडिया के लोग, अधिकारी, केंद्रीय तथा राज्य सरकार, मैं उनका आह्वान करता हूँ कि वो आएँ, देखें। इनके बाग में कोई नहीं आया, आज मीडिया प्रथम बार यहाँ आया है, यहाँ कोई नहीं आया है, और देखें कि किस तरह से हम क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तराखंड में इन पौधों के माध्यम से ला सकते हैं। और मैं समझता हूँ फल और ख़ास तौर पर सेब, यही वो माध्यम है, यही वो जरिया है जिससे पलायन रोका जा सकता है, ये तो निश्चित हो गया। परंतु अब योजना बनाना सरकार का काम, इसको देखना सरकार का काम। आप देखिए स्कारलेट स्पर्श शुरू हो गया, पूरी तरह से भरा हुआ। कोई ये यकीन नहीं करेगा कि 14 महीने के पेड़ में इतना फल आ सकता है। मैं आज खुद भी इसको देख के इसलिए हैरान हूँ क्योंकि मैंने इटली में, मैंने फ्रांस में या नीदरलैंड में पहले वर्ष में इतना फल कभी नहीं देखा। आप मेरी बात से सहमत होंगे, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, हम सब किसान भारतवर्ष के एक हैं। इसको समझने का प्रयास करें, इस तकनीकी को समझने का प्रयास करें, इस तकनीकी की शक्ति को समझने का प्रयास करें। ये वो शक्ति है जहां एक किसान 10 लाख रुपए से अधिक की कमाई 1 एकड़ में करेगा भविष्य में, ये निश्चित है। परंतु प्रशिक्षण जरूरत है, किसान को पूरा तकनीकी मार्गदर्शन देना जरूरी है, वरना किसान इसको नहीं कर पाएगा। मैं धन सिंह रावत जी जो यहाँ पे इस बाग के मालिक हैं, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ दोबारा से कि उन्होंने वास्तव में जो जो हमने कहा उसको उन्होंने माना, और मानते हुए उन्होंने उस काम को, सारे काम को किया। जो भी केमिकल, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट, ECPH बैलेंस, PGR जैसे भी हमने डलवाए, रूट डिसइंफेक्शन, रूट ट्रीटमेंट सारे उन्होंने किए, तो मैं समझता हूँ वो एक प्रगतिशील कृषक हैं। उनका उदाहरण हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए अनुकरणीय है।